राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इनके उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़े। माँ को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। ऐसा है माँ का स्वरूप। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला है। माँ के पास इन सभी चीज़ों के अलावा हाथ में अमृत कलश भी है। इनका वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। ऐसे करें पूजा। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इनका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वृद्धि और कौशल का विकास होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विधिवत प्रकार से फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। तो दोस्तों, ये थी माता कुष्मांडा की पूजा विधि।